सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको मिलिट्री से रिलेटेड दो ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत से लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन शायद ही बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि एक्चुअल में ये टेक्निक्स है क्या। हम बात कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग टेक्निक्स की, जिन्हें हालो और हाहो के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये टेक्निक्स क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो हम आपको बता दें कि ये दोनों हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री पैराशूटिंग टेक्निक्स हैं, जिनका इस्तेमाल मिलिट्री पर्सनल्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और अदर मिलिट्री सप्लाईज को हाई एल्टीट्यूड से फ्री फॉल पैराशूट के जरिए डिलीवर किया जाता है। और इसके लिए इसमें दो तरह की टेक्निक्स यूज की जाती है, पहली हालो जिसे हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग कहते हैं और दूसरी हाहो जिसे हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हालो टेक्निक की। इस टेक्निक को सबसे पहले 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इस टेक्निक में पैरा जंपर्स फ्री फॉलिंग के बाद लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर पहुंचकर अपने पैराशूट को डिप्लॉय करते हैं। यानी इस टेक्निक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब लैंडिंग बेस यानी जिस जगह पर पैराशूट को लैंड करना है वो जगह काफी दूर हो, ताकि पैराशूट को खुलने में पर्याप्त समय मिल जाए। इस टेक्निक में लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई से जंप करने वाले पैराट्रूपर्स होते हैं, जो जंप करने के बाद लगभग 3500 फीट तक फ्री फॉल करते हैं और उसके बाद ही पैराशूट को ओपन किया जाता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि पैरा जंपर्स दुश्मन की नज़र में आए बिना अपने टारगेट तक पहुंच सकें, लेकिन इस टेक्निक में बहुत ही एक्सट्रीम एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। इस टेक्निक का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जंपर्स को दुश्मन के क्षेत्र के आसपास ही जंप लगानी होती है। तो चलिए बात करते हैं हाहो टेक्निक की। इस टेक्निक के दौरान जंपर्स को जंप करने के लगभग 10 से 15 सेकंड के बाद ही हाई एल्टीट्यूड पर ही पैराशूट को डिप्लॉय करना होता है, और पैराशूट को डिप्लॉय करने के बाद इसमें जंपर्स करीब 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक फ्लोट करते हुए जाते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब लैंडिंग बेस बहुत ही पास हो। हाओ टेक्निक में कुछ स्पेशल पैराशूट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जंपर्स थोड़ी ज्यादा दूरी तक फ्लोट कर सकें और दुश्मन के क्षेत्र में चुपचाप घुस सकें। इस टेक्निक में लगभग 27,000 फीट से जंप करने वाले पैराट्रूपर्स शामिल होते हैं। हम आपको बता दें कि हाहो टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स को ही डिलीवर करने के लिए किया जाता है। अगर बात करें इन दोनों टेक्निक्स के बीच के डिफरेंस की, तो हम आपको बता दें कि हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग यानी हालो टेक्निक में मिलिट्री पर्सनल्स के साथ साथ मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री सप्लाईज को भी डिलीवर किया जाता है, जबकि हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग यानी हाहो टेक्निक में केवल मिलिट्री पर्सनल्स को ही डिलीवर किया जाता है। और हाहो टेक्निक का इस्तेमाल खास तौर पर स्पेशल ऑपरेशंस में किया जाता है। भारत में मार्कोस स्पेशल फोर्स, गरुण स्पेशल फोर्स, पैरा स्पेशल फोर्स, एनर्जी स्पेशल फोर्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स द्वारा इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।